अब ठीक 20 मिनट बाद हम इसका दम उठा रहे हैं। माशाल्लाह ही आज हम बीफ पुलाव पका रहे हैं, जिसके लिए हमने बीफ को डाल के पानी में और चटनी बनाई है। अब हम चटनी बनाने के बाद देख रहे हैं कि ये पूरी तरह गल गया कि नहीं गल गया, क्योंकि ये इसको बीफ पुलाव के लिए 70% गल जाए तो ये गला हुआ कहलाता है। हमारा गोश्त 70% तक गला हुआ, क्योंकि अब हम बाकी का प्रोसेस आगे करते हैं। ये बीफ का मैटर है हमारा, चलें अब आगे करते हैं। चॉप करने का तरीका, आपने इस तरह के स्लाइस बना लेने हैं और इनको बारीक बारीक चॉप करना है। प्याज लाइट ब्राउन कर रहे हैं, अब ये तैयारी के करीब है, प्याज लाइट ब्राउन होने के करीब है। इसके बाद हम इसमें बीफ और अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे और खूब भूनेंगे। हाँ, अब आपको मसाले दिखाते हैं कौन कौन सा मसाले इसमें। अब इसमें अब हम खड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, फूल बाजरा खटाई, लौंग, काली मिर्च, सब्ज़ इलायची और सफ़ेद जीरा। अब हम इसमें डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना हुआ। अब इसके बाद हमने इसमें बीफ जो हमने 70% डाल के रखा है वो डालेंगे। में नमक अच्छे जायका, जितना आपको नमक चाहिए उतना डालें। इसमें हम डालेंगे टमाटर और ग्रीन चिल्ली की पेस्ट डालेंगे, एक किलो टमाटर और आधा पाव ग्रीन चिल्ली। इसमें कटे हुए अदरक के स्लाइस डालेंगे। अब इसमें रेड चिल्ली हसबे जायका डालेगी, क्योंकि उसमें हमने ग्रीन चिल्ली डाली है इसलिए अपने जायके के साथ। आलू बुखारा भिगो के रखा हुआ है, फूल गया अपने तैयारी पे है, आप अपने ये डाल। दही एक किलो में से 350 ग्राम के करीब डाल। इमली का पेस्ट तकरीबन 200 ग्राम के करीब। अचार तकरीबन 150 ग्राम के करीब। पहले हमने इसमें यखनी डाली है जो बीफ की निकली हुई थी। अब चावलों के पकाने के लिए इसमें आधा बाल्टी पानी की जगह। पानी बॉयल होने के बाद आपने चावल डाल लिए। चावल की क्या क्वांटिटी है जी? क्वांटिटी है चावल की 5 किलो और बीफ की क्वांटिटी है 4 किलो। 4 किलो बीफ है और 5 किलो चावल है। उसका हम आज बीफ पुलाव पका रहे हैं। के यखनी में और चावलों का अब हमने दम पे लगा दिया है। ये कम से कम चावल जो है ना 15 से 20 मिनट दम पे लगेंगे और तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम आपको जब इसका दम उठाएंगे तो तब बताएंगे कि क्या कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ठीक 20 मिनट बाद हम इसका दम उठा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हुए हैं और क्वान्टिटी में इतने हैं कि ये छोटे चमचे से नहीं लेंगे। इसके लिए हमने एक स्पेशल चमचा बनवाया हुआ है, उससे इसको हम खाएंगे। ये देखिए ऐसे खिले खिले चावल हैं। लो जी,
कैसे खिले खिले चावल हैं। अब इसकी जो बीफ की बोटी है वो भी 100% बनी हुई है, पकी हुई है बेहतरीन। और अभी हम इसको